आहा, कोई हैंड सैंड ना हो जाए, जानी तो पिलाइन चेंज करते हैं कुछ। इसे एक शॉपर ने मुझे मैसेज किया, किस्मत बॉन्ड का नशा करके आ जाते ने कितने भी कुछ भी बोलने लगते। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फाइजा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी का सीन ये है कि रात के 2:30 बज रहे हैं, रात के 2:30 बजे दूर शहनाई बजे, तो ऐसा कोई सीन छीन नहीं होता। परले से मुल्क जिधर भी है पाकिस्तान, लोगों को यही लगता है कि कुड़ी मुल्कों बार ते करियो बार ते वारियो बार, तो ऐसा कोई सीन छीन नहीं होता। बंदे की कोई जिंदगी नहीं होती है परदेश में, मेरी कोई जिंदगी ही नहीं। क्या तुम अब भी मेरी जिंदगी हो? आह, तो लेकिन अभी जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ 9th ऑफ नवम्बर, तो आज एक बार ले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कौमी शायर तो आज के दिन जॉन एलिया कैंसल, तो हम अलामा इकबाल का शेर पढ़ेंगे। अलामा इकबाल का शेर मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया था, सुन लो। है माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा एक मिनट। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। आह, ढूंढा मैंने फिर भी, वैसे टूटे आशकों वाला शेर है। इस शेर में शायर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। मतलब आजकल की नस्ल को उर्दू लुगत से क्या, लेकिन पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको उर्दू लुगत के बारे में भी पता होना चाहिए। मेरे पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। तो सीन ऐसे है कि रात के 2:30 बज रहे हैं और मुझे बहुत बहुत सख्त वाली भूख लगी हुई है। आज का पूरा दिन मैं केक रस खा खा के ख़त्म कर देता है, लेकिन अब गल मेरे वश चिन रही है, मुझे सख्त वाली भूख लग रही है। और मैं इतनी सुगर तो हूँ नहीं कि मैं अभी दस्ती पकाऊँ, दस्ती खाऊँ तो हम जाएंगे CVS कन्वीनियंस स्टोर, वहाँ पर जाके कोई रेमन नूडल्स शूडल्स जो भी होता है वो खाएंगे। मैं पहली दफ़ा ट्राई करने लगी हूँ, मैं साथ लाई हुई थी अपने साथ बहुत सारे कनोर, इसका मैजिक क्योर, तो वो वाले मैं खाई जाती सा, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गए। अभी CVS चलते हैं और मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने वाली हूँ, टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स गो। लेकिन उससे पहले मेरी गल सुन लो, मैं यूट्यूबर हूँ, यही तो जुर्म है ना मेरा। मेरा चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब कर दे? हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। वेखी जाते हो, वेखी जाते हो, चातियां मारी जाते हो, चातियां मारने की आदत नहीं जाती थोड़ी है। सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, है सब्सक्राइब करके जाना। इसके जो तुम लौट के आए तो सब्सक्राइब करके जाना। अरे बस कर भाई। सो दिस इज द कन्वीनियंस स्टोर जिधर हम जाएंगे। ये पड़े हुए हैं जनाब नूडल्स, लेकिन एक पंगा है वो ये कि इन्हें कोरियन नहीं आती। इनके कुछ जो आइटम्स होते हैं उसमें पोर्क शोल भी पड़ा हुआ होता है, तो कोई हैंड शैंड ना हो जाए, जानी तो पिलाइन चेंज करते हैं, कुछ और खाते हैं। ये है चीज़ पिज्जा, इधर ही बना कर देंगे और इधर ही बैठ कर जो है। तो अभी ये 15 मिनट में रेडी हो जाएगा, तो इधर से जनाब हम चुप लेंगे एक अदद कोक। तो राजा जी सीन्स ऐसे हैं, 15 मिनट का वेट करना, फिर हम बैठ कर पिज़्ज़ा खाएंगे, रेमन नूडल्स नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। पिलान थोड़ा सा चेंज हो गया है, 24 आवर्स जो है ये ओपन होते हैं। ये हमने लिया है साथ में एक अदद 0 शुगर कोक, इसमें जो शुगर होती है उसने डाइट की हुई होती है। जो मैं इनिया तरीफा करी जा रही है, बाबा जी के अंदर नाइट टाइम क्लोज होता है, बाहर जाके खा, गजब बेइज्जती है। तो देखिए कोई बात नहीं, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इधर प्रॉपर फटे शटे लगे, इधर आए बैठकर खाएं तो क्या हुआ, अगर ठंड है तो क्या हुआ, अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो उस इंसान थोड़ी ना कर पगली, अब रुलाएगी क्या। तो ये वाला सीन तो देखने वाला होता है ना यार, मतलब
आह खाते हैं, थोड़ी सी बातें शातें करते हैं, फिर घर जाते हैं। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। नो, एक मुझे मजे की बात याद आ रही है, ठीक है। जब से ही मैंने व्लॉगिंग श्लॉगिंग शुरू की है ना, कुछ लोग जो मुझे जनरली सपोर्ट करते हैं, आई रिस्पेक्ट देम अलॉट, लेकिन इसके अलावा ना इंस्टाग्राम में कुछ शॉपर भी उड़ के आ जाते हैं। मतलब जब आंधी आती है तो बहुत सारे शॉपर भी उड़ के आते जाते हैं। बढ़िया था गुरु। खैर, उनमें से एक शॉपर ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, कहता कि मैडम आई फैन यू। मैं अच्छा, मतलब जब जुम्मा 8 दिन हुए आपको यूट्यूब चैनल बनाए हुए और आपको कोई ऐसे बोले तो इट मीन्स अ लॉट। तो मैंने बोला थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। थोड़ी देर बाद कहता कि मैडम यू स्ट्रीक, यू स्नैपचैट स्ट्रीक प्लीज। मैंने दिल में सोचा कि मतलब ऐ कम नहीं किया कभी भी है। खैर, फिर भाई साहब को जवाब नहीं मिला तो भाई साहब की ईगो जाग गई ना। तो मैनू कहता कि आप कैसी लड़कियां हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आपने हिजाब नहीं किया। मतलब आई रिस्पेक्ट हिजाब अलॉट, लेकिन मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। कहने का मकसद ये है कि कहाँ से आते हैं दो मुंह वाले शॉपर हैं, स्मद बॉन्ड का नशा करके आ जाते हैं, कितने भी कुछ भी बोलने लग पाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्यारी प्यारी बहनों, खासतौर पर जिंदगी में ऐसे बहुत सारे शॉपर आएंगे, आपने हमेशा शॉपर को शॉपर ही समझना है, उसके बीच हवा भर के ना छुस करके एम परे सुट देना। खैर छोड़ो, पिज्जा की बात करते हैं तो अच्छा है, अच्छा है, एक हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक टाइप्स वाला हिसाब। पाकिस्तान में आदत होती है ना चिकन टिक्का, चिकन फजीता, फलाना टमकाना, और ख़ास तौर पे तहजीब वाला जो सालन वाला पूरा पिज़्ज़ा होता है वो खाने की आदत होती है। नहीं, शुक्र अदा करना चाहिए। तो अच्छा है, इंस्टेंट वाला एक सीन है। रेमन नूडल्स नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। और अभी जो है हल्की बारिश शुरू हो गई है, बस मेरे ख्याल से चलते हैं, हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं। Is he praying or something? Oh, selfie. सड़के खाली, बारिश सारे शुरू हो गई है। चलो वापस चलते हैं। एक मैनू आराम नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ ये भी देखें कि सिक्योरिटी कितनी है। मेरे माइंड में बिल्कुल डर और खच्चा निकलते वक्त मेरे माइंड में एक दफ़ा भी ये चीज़ नहीं आई थी कि इस टाइम मैं बाहर जाऊँगी, यहाँ पे ये सीन नहीं होता। तो इस लिहाज से, इस वजह से आई लव कोरिया। तो आज का जो व्लॉग है उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इजाज़त, खुदा हाफिज़। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। ना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।